कुल्लू जिला के सैंज अस्पताल में सुविधाएं न मिलने से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि अगर इस अस्पताल में जनता को जल्द सुविधाएं नहीं मिली तो जन आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो स्थानीय विधायक का भी घेराव किया जाएगा। सैंज संयुक्त संघर्ष समिति ने अस्पताल में चल रहे डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को लेकर नायब तहसीलदार सैंज के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सैंज घाटी में 15 पंचायतें आती हैं और कुल आबादी लगभग 25,000 है। यहां कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को करीब 20 किलोमीटर पैदल सड़क तक पहुँचना पड़ता है। घाटी में अस्पताल में रात के समय में कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि स्थानीय विधायक द्वारा पहले भी समिति को आश्वासन दिया गया था कि इस अस्पताल में दिन रात सेवाएं मिलेंगी और इस अस्पताल की ग्रेड को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण चौहान ने कहा कि लोगों को यहाँ काफी परेशानियां पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार संघर्ष समिति की मांगों को जल्द नहीं पूरा करती है तो आंदोलन उग्र होगा। संघर्ष समिति की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग जो हमारा सैंज हॉस्पिटल है इसको लेकर, क्योंकि पिछले दिनों में लगातार दो डॉक्टर यहां से शिफ्ट किए गए, उनकी ट्रांसफर की गई, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर कोई भी दूसरा जो है डॉक्टर नहीं भेजा गया, जिससे सैंज के लोगों के लिए, पूरी जो घाटी के लोग हैं उसकी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि भाई हमारी घाटी 15 पंचायतों का एक सेंटर, हमारा एक ही हॉस्पिटल है और इतनी ज़्यादा आबादी होते हुए तो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा, हम मांग कर रहे हैं कि आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं कि 2 हफ्ता के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें जल्द से जल्द जो है यहाँ डॉक्टर की जो है नियुक्ति की जाए, अन्यथा जो है सैंज संघर्ष समिति जो है आने वाले समय में संघर्ष के रास्ते पर चलेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की रहेगी। और साथ ही हमारी मांग है कि जो हॉस्पिटल अपग्रेड किया गया, जो CHC है, उस मुताबिक अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन वहाँ फाटक लगा के रखा सिर्फ कोई CHC है। हम चाहते हैं कि भाई इसको अपग्रेड किया जाए, नोटिफिकेशन इसकी निकाली जाए और डे नाइट जो 24 घंटे की जो सर्विस होनी चाहिए स्वास्थ्य की, वो जो सैंज घाटी के लोगों के लिए उपलब्ध की जाए, ये हमारी मुख्यतः मांग रहेगी। और आने वाले समय में हम इस मुद्दे को लेकर पूरे सैंज घाटी के जनता के बीच जाएंगे और जाके लोगों की जो भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन की हम तैयारी करने जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।